ओके गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमें स्टार्ट करिबा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू काली ठू जो हमर बैच स्टार्ट होची ताकु नहीं कि हमें डिस्कस करिबा। तो तुम्हें केमती पढ़िबो ताकु मु जस्ट कहिबी आउ किछि जदि डाउट रहिबो केमती पढ़िबो से विषय भी तुम्हें पचारि पारिबो मते। तापरे आमे सेकंड फेज रे पढ़िबा करंट अफेयर। लास्ट वीक रो जो करंट अफेयर अछि से पार्ट को आमे कवर करिबा जेहेतु ओएस आउ एस समस्ते दौच से ताकू फोकस करी जो करेन्ट अफेयर होची ताकू आमे डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट देखो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू तुम्हारा बहुत मेजर पार्ट। तुम जी ओडिशा सिविल सर्विस को देखिबो देन तुम्हारा 14 to 15 मार्क तुम इनक्लूडिंग करेन्ट अफेयर तुम्हारा क्वेश्चन आसूची। आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर सारे केमती तार क्वेश्चन पढ़ुची सब टॉपिक को कवर करके केमती क्वेश्चन आसू डिस्कस करते। तो ताकु बेस करके जदि आम देखा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो अच्छी टॉपिक से टॉपिक को लेकिन कौ कौ टॉपिक अच्छी ना आम से जो तार सिलेबस को ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम हो कि एएसओ एग्जाम हो तार टोटल सिलेबस को आम डिवाइड कर पार चार्टा पार्ट्रे गोटे है आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट आम से ही पार्ट्रे किसी चैप्टर कवर करवा। तापरे इंडियन इकोनॉमी रे भी सेमती किसी चैप्टर अच्छी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे कौन चैप्टर अच्छे नेक्स्ट स्लाइड रे आम देखा। इंडियन इकोनॉमी है सेकेंड मॉड्यूल आम कहीपरिया। थर्ड मॉड्यूल है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पेमेंट। तो यही सब पार्ट तुम ए देखापी पाइब। तापरे लास्ट रे आसो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो बेसिकली इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आम ए देखा इवेन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी यार पार्ट। तो इवेन जो मैंने बैंक में प्रिपेयर हो इकोनॉमी तो बहुत मेजर रोल प्ले करे। तो सही बैंक पे भी तुम्हें इतने बेनिफिट नहीं पार। ओके तो ये स्लाइड जो मुझे देखा तुमको ये कंटेंट है बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अच्छी तार मेन एग्जामिनेशन सिलेबस से डिवाइड कर इंडियन इकोनॉमी बस आमर जदि ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम आ तार सिलेबस देखियो प्राय समान बट टोटल चैप्टर वाइज देनी कौथरे ओडिशा सिविल सर्विस टोटल चैप्टर वाइज देनी बट आरबीआई रे तार मेन एग्जाम टोटल चैप्टर वाइज देसी तेणु ताकू ए आम इनक्लूड करूँ। तो ये जो चार्टा मॉड्यूल देखो ये चार्टा मॉड्यूल कौन कौन चैप्टर सब रही। तो तुम्हें मत पचारि पार जे सर ये बुक ये जो आमर अच्छी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट तापाई कौ बुक आम फॉलो करूँ। तो तुम्हें जेकोसी बुक फॉलो कर पार बट ये जो टॉपिक रही से टॉपिक जो सब बुक अच्छी से बुक रे थिबा दरकार। इवेन रमेश सिंह इज अ वेरी गुड बुक बट तुमको मे भी किसी प्रॉब्लम आसपे जदि तुम नुआ पढ़ु जदि तुम एनसीईआरटी कवर करना किंबा आमर बेसिक बुक कवर करना बेसिक कनसेप्ट जाणिन ताले रमेश सिंह भी टिके कष्ट लगे तेणु एनसीईआरटी जदि कवर कर ठीक से ताले देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सेकेंड है गोटे नुआ बुक आसी इंडियन इकोनॉमी नितिन सिंगानिया। नितिन सिंगानिया तार सेटा सबुठू भल कौन पे कहा पार्बे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेहतु देखिए आम रेफरेन्स करपरिया। तो एथिरे आम फोकस करवा इंडियन इकोनॉमी नितिन सिंगानिया बुक को फोकस करवा। जो मैंने क्रैश कोर्स ग्रुप रे जॉइन करछो से माने ऑटोमेटिक पीडीएफ तुम्हारा अपलोड हो सबु दिन राति 12टा बेलू आज तुम्हें चैप्टर वन पीडीएफ पाइव। सेमती रेस्पेक्टिव डे जो अच्छी से तार स्केड्यूल भी मुझे तुमको कहबी से स्केड्यूल जस्ट मुझे तुमको सेयार करी से स्केड्यूल जो सब मेंशन अच्छे आम देखा। तो ताकू देखेबा आगु ये देखो ये जो चैप्टर सबू जानापी ट्राए कर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माने कौन तुम्हें जानथ किए कहीपर ग्रोथ कौन डेवलपमेंट कौन किए कहीपर मुझ किसी बेसिक लेवल मानते कौ जिन तुम्हें जाचो से जिन जानापी चाहूँ से अनुसार मुझे तुमको गाइड करी। तो आम जो पढ़ा नेशनल इनकम से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय जाना बट ता आगु किए कहीपर कि ह्वाट इज ग्रोथ एंड ह्वाट इज डेवलपमेंट। Growth means increase in size through physical change, and development means it's a process of gradual transformation. ओके तो आमे जदि कहिबा तमोर पार्ट को मु जदि पूरा एक्यूरेटली करेक्ट करिक कहिबी देन ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म माने क्वांटिटेटिव टर्म रे जदि आमे मेजर करचे ताको आमे ग्रोथ कहउचे जदि क्वालिटेटिव टर्म रे आमे ताको मेजर करचे डेवलपमेंट कहे तेणु ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भितर मेजर डेवलपमेंट आम डिफरेनसीएट रोच। तापरे ग्रोथ आम कमी मेजर करे डेवलपमेंट कमी मेजर करे से सब जिन चैप्टर वन पढ़ा। सेकेंड चैप्टर आम पढ़ा
पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन। तो पॉवर्टी पॉवर्टी गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। तो पॉवर्टी एलिविएशन तुम्हें ये जो लक्ष्मी कौन एटा रमेश सिंह बुक रे से जिनस पाइब ना से नितिन सिंघानिया ये चैप्टर को बहुत बढ़िया से देती पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट दुटा जाक गोटे चैप्टर देती आ भल से मेनसन कर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी तुमको जानापी पड़ तापर अनएम्प्लॉयमेंट गोटे बहुत मेजर इश्यू एवं तेणु अनएम्प्लॉयमेंट कौन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन आउ एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्कीम लॉन्च कर सब जिन तुम्हें चैप्टर टू में पढ़ सेकेंड थर्ड चैप्टर है गोटे कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली एनवायरमेंट बट एनवायरमेंट को बेस करके आम जब तुम देख सही भी लिखाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिलेबस मेंशन अच्छे तेणु सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानी किए कहीपर आम आगु डिस्कस करी यार कनसेप्ट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट ना आउ किए कहीपर तुम आंसर टिकेट ठीक किंतु मेजॉरिटी बोल डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन कीपिंग माय रेफरेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके तो डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन को देखिकी आम जब डेवलपमेंट करवा विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट देन ताको आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहवा तो आम जब से रिसोर्स गुड़ाक यूज करदेबा तो किसी रही आम नेक्स्ट जेनेसन तेणु आमको सस्टेनेबल वे रे जीवा पे पड़ो वन साइड रे आमको कौन देखा पड़ो ना आम डेवलपमेंट भी दरकार तापर आम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी दरकार दुटा जाक बालान्स करके आम जो जाऊे से जो एनवायरमेंटल इश्यूज जो अच्छी से एनवायरमेंटल इश्यू को भी आम जानापी ट्राए करवा ए टॉपिक तो आम टोटल कवर करवानी बट किसी किसी जिनस जानापी ट्राए करवा ह्वाट इज कॉज ऑफ आमर जो ग्लोबल वार्मिंग जो रोच क्लाइमेट चेंज रोच से गुटाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी केतरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी किए कही पार 17 गोल अच्छी तेणु गोल नंबर 1 टू 17 तुमको जानिया पे पड़ो कौ नंबर कौ गोल अच्छी पॉवर्टी 1 हंगर 2 एमती तुमको मन रखा पड़ो देन चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया माने आमर इकोनॉमिक हिस्ट्री माने कौन कही पार ना आम आगु जो इकोनॉमिक सिस्टम थिला इकोनॉमिक प्लानिंग थिला सेटा केमिति थिला 5 ईयर प्लानिंग केमती चलता तार अचीवमेंट कौन कौन रहा केतटा 5 ईयर प्लान थिला आउ कौ 5 ईयर प्लान रे कौ कौ जिनस को फोकस करा जाई थिला सेटा अचीव हो पारा कि ना ये सब जिनस तुम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ो तो बेसिकली सब हिस्ट्री तुम पढ़ु इंडियन हिस्ट्री जमी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ुच तो इकोनॉमिक हिस्ट्री अच्छी तो इकोनॉमिक हिस्ट्री इतने तुम जानापी पाइब तापर देख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रे से जो 5 ईयर प्लान है एनसीईआरटी तुम मैंने पढ़ी थो बहुत सारा सेक्टर अच्छी इकोनॉमी रो से जो इकोनॉमिक सेक्टर जदि कही पार इंडस्ट्री को फोकस करा जाउथला अथवा एग्रीकल्चर को फोकस करा जाउथला तापर लेबर पॉलिसी को ऊपर गुरुत्व दिगला तापर मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी ए सब जिनस भी गुरुत्व दिगला मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी केबे रिफॉर्म आसला ना 1991 पर जो रिफॉर्म है आम कहे इकोनॉमिक रिफॉर्म केबे हेतला ना 1991 रे हेतला तो 1991 रे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हैला सेते बेलू को बहुत सारा पॉलिसी उपरे चेंज आसला आगरू जो क्रॉनिक आमर जो आमर कौन थिला आमर लाइसेंस राज सिस्टम थिला जो से लाइसेंस राज सिस्टम धीरे धीरे हटिबा पई लागिला तो गवर्नमेंट आज फैसिलिटेटर हिसाब से काम कला तो सही सब जिनस आम पढ़ा चैप्टर नंबर 5 रे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आगरू कौन थिला एबे कौन अच्छी लेबर पॉलिसी आगरू कौन थिला एबे कौन अच्छी मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी रो स्टेटस कौन तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन फिजिकल पॉलिसी कौन किए कही पार किए कही पार कहीं कही पार नहीं अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी किए डिसीजन निए और फिजिकल पॉलिसी रो डिसीजन किए निए मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक की है आरबीआई आरबीआई और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट रो ओके तो मॉनेटरी पॉलिसी है ना मनी मार्केट को जो कंट्रोल करिया पे बा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पे जो पॉलिसी अछि ताको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहूचे करेंसी रो सर्कुलेशन केमती रहइबो इंटरेस्ट रेट केमती रहइबो बैंक मान को केमती कंट्रोल करा जइबो सेटा हला मनी मार्केट रो इंस्ट्रूमेंट अछि तो आरबीआई पाखे तो से जो
आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी करछि ताकु सेथिरे आमे पढ़िबा। देन फिस्काल पॉलिसी, फिस्काल पॉलिसी आमे कहि परिबा गवर्नमेंट रो अर्थनीति जो अछि अर्थनीति को ताकु माने ठीक वे रे नबा पई को पॉलिसी बा को स्कीम ताकु नबा पई पढ़िबो बा को मेजर नबा पई पढ़िबो। गोटे हैला एक्सपानसनरी आउ गोटे कंट्राक्शनरी और बहुत सारा टर्म तुम्हें से देखा पाइब। तो फिजिकल पॉलिसी रे बेसिकली आम कहीपर मेजर फिजिकल पॉलिसी रो गोटे मेजर पार्ट है कौन बजेट। तो बजेट इथरे ए पार्ट रो इथरे पार्ट हम बजेट आम कहीपर इथरे तो फिजिकल पॉलिसी माने गोटे बजेट पार्ट बट नेक्स्ट पार्ट रे जो अच्छी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी रे से सब जिनस पढ़ा आम मनी मार्केट कौन फाइनेंशियल मार्केट कौन तापर रिजर्व बैंक रो रोल कौन पब्लिक फाइनेंस कौन पब्लिक फाइनेंस कौन तापर पॉलिटिकल इकोनॉमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर इन इंडिया ये सब जिनस पढ़ा। ता आगर आई एई वीक रे कौन हम ना चैप्टर 6 देख लिखाई प्रायोरीटीज एंड रेकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजेट। तो सैटरडे संडे जो रही आम से कौन करवा ना इकोनॉमिक सर्वे आउ यूनियन बजेट को डिस्कस करवा। तो या तो मुझे पूरा डिटेल पढ़ेबिनि बट किसी भिडियो मुझे तुमको सेयार करी से ग्रुप रे, से ग्रुप रे जो भिडियो देखो से भिडियो बहुत बढ़िया से बुझाई। तो से दिन जो दिन आम बुझार थी से दिन ही आमको मुझे तुमको सेयार करी ऑटोमेटिकली से लिंक अपलोड हे आगे तुम देख तापर आम रात टाइम हम डिस्कस करवा। डिस्कस कले मुझे किसी क्वेश्चन पचारि तापर यही पार्ट को आम कम्प्लीट करवा। ओके तापर देख इंडियन इकोनॉमी रे पार्ट आम पढ़ा कहली मु तापर ग्लोबलाइजेशन माने इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन किए कहीपर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन सोशियोलॉजी पिला कहीं नहीं इकोनॉमिक रे कहबी ना सोशियोलॉजी रे कहबी तुम जहाँ रे कहो को व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पाठ एका वन वन एग्जांपल इज ट्रेड रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज आउ सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्टेड चेंजेस इकोनॉमिकली कल्चरली सोशियली एंड पॉलिटिकली स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी। ओके तो हमें यदि इकोनॉमिक टर्म रे कहबा हमर गोटे इकोनॉमिक बाउंड्री अछि दिस इज इंडिया ए मैप तुम देख पाथबो इंडिया कोन एटा गोटे इकोनॉमिक बाउंड्री हमर माने इकोनॉमिक बाउंड्री मे बी अलगा हिते पारे बट एटा हम ए माने बुझिया पे जस्ट कहू मु ए इकोनॉमिक बाउंड्री विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आम जी गोटे रिलेशन एस्टाब्लीश करवा इंटीग्रेट करवा ताकु आम ग्लोबलाइजेशन कहवा। तो ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ आम कहीपर बिजनेस कहीपर तापर कल्चर भी कल्चरल आस्पेक्ट भी ग्लोबलाइजेशन रोच सोसाइटी को लेकिन अच्छी तो सब टाइप रे आम ग्लोबलाइजेशन कहवा। तो 1991 रे जो रिफॉर्म आसला ताकु आम एलपीजी कहा एलपीजी फुल फॉर्म कौन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन कौन लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट जो अग्र सब माने जो लाइसेंसिंग एंड ए सब जिनसो को इजी करबा माने कंपनी सेटअप पे कि अग्र जोडा सब स्ट्रिक्ट थला बेसी। ओके तो बेसिकली रूल जते सब रूल बा पॉलिसी जो अछि ताको हमें लिबरलाइज कर देबा जदि ताको हमें लिबरलाइजेशन कहू छ अग्र जो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करथुल हमें पॉलिसी ताको हमें छाड़ कर देबे बहुत सारा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एफडीआई ये सब जिनस हमें जितेबेला पुरेवा जितेबेला को हमें रूल जते रूल स्कीम ए सब हमें जितेबेला लिबरलाइज करिवा ताको हमें लिबरलाइजेशन कहू छ। तापर हला प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन माने जानु छ गवर्नमेंट एंटिटी रो स्टेक जदि हमें नै जाउ छ गवर्नमेंट रो स्टेक जदि कमै दउ छ ताको प्राइवेटाइजेशन कहू छ। बहुत सारा पब्लिक सेक्टर एजेंसी थिला सेतेबेला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तो तार रोल भी धीरे धीरे कमैबारे लागिला प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर देला गवर्नमेंट। तापर आउट लास्ट कौन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जान लो ग्लोबलाइजेशन फल बहुत सारा जिनस पाऊे तापर देख ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक रही इतने फास्ट देखो ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ओपनिंग ऑफ ये कौन पे कहना 1991 पर इकोनॉमिक रिफॉर्म पर जो लिबर एलपीजी रिफॉर्म आसला एलपीजी रिफॉर्म पर जो जिनस आसला ये सब जिनस तुमको इतने पढ़ापी पड़ो।
देन चैप्टर 15 बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री सहित ट्रेड कलापर गोटे गोटे कौन रोटे सरप्लस रिमा डेफिसिट रही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ये सब जिनस पढ़ा देन किसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो मैंने एसो पे प्रिपेयर हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोली जो टॉपिक अच्छे एथिरे तुम्हें पाइपर तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मैंने आम कहीपर दीटा टाइप आम कहीपर गोटे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दीटा टाइप कौन कौन ना गोटे रीजनल आ गोटे इंटरनेशनल तो रीजनल मैंने कौन ना आम रीजन कौन गोटे एशिया कहीपर एशिया गोटे रीजन तो एशिया रीजन में आम जो सब आम कौन इंस्टीट्यूशन जो कहे ए आई आई बी ए डी बी एन डी बी एगुटा कौन इंटरनेशनल आम कौन रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन बट जदि आम ग्लोबल लेवल देखा आम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहवा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जमी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूटीओ ये सब जिन चैप्टर नंबर 16 पढ़ा तो यहाँ चैप्टर नंबर 17 ओके तापरे देखो हाँ 16 ए बी आम कहीपर यू चैप्टर नंबर 17 रे देखो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया सबुठ मेजर इश्यू है डेमोग्राफिक ट्रेंड तापरे आम यू पार्ट को आम तुमको मुझे देवी जिनस जो क्वेश्चन पचारि तुम एसे टाइप रखिक तुम देपर जोटा कि आउ किसी बेसिक फिच मान जो पार्ट 1, 2, 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन ये पार्ट रे आमर सब सिलेबस कंप्लीट हो जाटा बेसिकली सोशल इश्यू रोटे पार्ट तो सोशल इश्यू एत आम कम लगे किसी पार्ट कम लगे जमी आम अर्बानाइजेशन माइग्रेशन डेमोग्राफिक ट्रेंड आउर कौन ना ह्यूमन डेवलपमेंट जोटा कि आम फास्ट ही आम पढ़ा नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा देन सोशल सेक्टर्स इन इंडिया हेल्थ एंड एजुकेशन युवाक टी एम्फासाइज कर पढ़ापड़ एवं जमी आम कहीपर एजुकेशन को लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को कौन फोकस कराई हेल्थ को लेकिन गवर्नमेंट रो कौन कौन इनिशिएटिव अच्छे से सब जिनस को ही आम देखा तो दिस इज आम कहीपर ये पार्ट को आम जस्ट कवर कले तो जदि तुम नितिन सिंघानिया बुक तुम पाखे रखिच ताले देखि एटी तुम रेफर कर पारिबो चैप्टर 1 टू चैप्टर 21 ए चैप्टर सब अच्छी ए चैप्टर ही सब देखो जो चैप्टर आम डिस्कस कले जो सब टॉपिक एथरे आम डिस्कस कले सेही सब टॉपिक ही एथरे सब प्राय अच्छी ओके तो इरिगेशन गोटे एक्स्ट्रा पार्ट अच्छी जोटा कि आम टाइम हेल्ले पढ़ा आ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये दि तीन टा चैप्टर खाली जस्ट आमको टिके अलग करके पढ़ापी पड़ो ना सब इंटीग्रेट करवाई पड़ो ओके तो फर्स्ट चैप्टर काली स्टार्ट हो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ओके तो ये मुझे तुमको स्केड्यूल देखेबी आम लास्ट स्केड्यूल देखेबी मुझे आम करेंट अफेयर किसी डिस्कस करापर मुझ तुमको स्केड्यूल देखी आम जो 10 आम टोटल 2 वीक्स जो स्केड्यूल रही स्केड्यूल को आम कमी कम्प्लीट करवा कह लास्ट ओके तो फोर्थ वीक फेब्रुवरी फोर्थ वीक करेंट अफेयर आम डिस्कस करवा तो सबुदिन आम 10:30 कौन करवा ना जो इकोनॉमिक क्लास करवा देन करेंट अफेयर क्लासेस जो अच्छी करेंट अफेयर को भी फोकस करवा डेली जो न्यूज टुडे अच्छी विजन आइस न्यूज टुडे तुम स्क्रीन में मुझे जदि ओपन करी तुम देखिपर केमी ओपन कर तो विजन आइस सर्च कर विजन आइस सर्च कलापुर गोटे रिसोर्स बोली आसो करेंट अफेयर में न्यूज टुडे क्लिक कले तुम्हें फेब्रुवरी मंथ आज आम अच्छे फेब्रुवरी मंथर 1 to 27 आज 28 संडे से आज न्यूज टुडे ना तेणु संडे रे कौन करा जीवो ना टोटल जो गोटे वीक रो सब रिव्यू न्यूज डिस्कस करा जीवो तो एमती है कि तुम डाउनलोड करी रेफर करी पारिबो ओके तो फोर्थ वीक रे कौन कौन सब डेवलपमेंट होता आम जस्ट डिस्कस करवा तो फास्ट देख तीन टा मेजर डेवलपमेंट होता कौन कौन ना आम जी तुम ओएस एग्जाम पे यहाँ कौन पे ना यूपीएससी रे ए क्वेश्चन मे भी आसवनी टोटल आसवनी तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अनाउंस तो इतने देख एटा कौन पे मान तार बेसिक जिनस किए किए विन करदी आम कह गोटे एग्जाम्पल बेस्ट फिल्म कौन यो अवार्ड अनाउंस है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर एमती यो पार्ट को तुम मन रख बेस्ट आक्टर वेब सीरीज बॉबी देवल आश्रम तो यही सब जिनस को तुमको फैक्चुअल जिनस जोटा कि तुमको पढ़ापी ही पड़ो जदि तुम एएसओ आउ ओपीएससी पढ़ु देन
ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ 2021 ମେଜରଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ପାଖାପାଖି ହୁଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମନେ ରଖିବ ଚାରିଟା ଓପନ ହୁଏ କିଏ କହିପାରିବ ଅଲଗା ସବୁ ଓପନ ଟେନିସର ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ନା ନାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୟୁଏସ୍ ୟୁଏସ୍ ଓପନ ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାପରେ ୟୁକେରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ୟୁକେରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଏ ବୋଧେ ତ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଇଟା ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଚାରିଟା ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସେ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ନାଭାକ୍ ଡିଜୋକୋଭିକ୍ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ ସର୍ବିଆ କାହାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଟାଲିନ୍ ଡାନିଏଲ୍ ମେଦଭେଦ୍ ରୁଷିଆର ହଁ ଓମ୍ବିଲଡନ୍ ଓକେ ତ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ନେମ୍ ଇନ୍ ଅନର୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଓମେନ୍ ହିଡେନ୍ ଫିଗର୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ନାସା ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କାଥରିନ୍ ଜନସନ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଗୋର ନେମ୍ କ'ଣ ସାଇଗ୍ନସ୍ N15 କାର୍ଗୋ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ ତମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ନା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି କିଏ ଗେସ୍ କରିପାରିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କେଉଁଠୁ କହୁଛି କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ରେଫର କରିକି କହୁଛି ଭିଜନାଇଜ୍ ଭିଜନ ଆଇସ୍ରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରେ ଆଡ଼ା ଆଡ଼ା 24 ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା ଆଡ଼ା 24 କ'ଣ କରେ ନା ସବୁ ୱିକ୍ଲି ସେ କ'ଣ କରେ ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଦିଏ ୱିକ୍ଲି ଦେଖିବ କାଲି ତାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ 28 ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଦେଖିବ ତାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇସ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିବ କେଉଁ ମନ୍ଥର ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥର ତେଣୁ ଆଡ଼ା 24 ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବ ତମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଓରି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଜିର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ତମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଫେବୃଆରୀ 4th week ର ସେମିତି ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ବି ୱିକ୍ ଅଛି ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନ୍ୟୁଜ୍ ତମକୁ ସେପାରେଟଲି ତମକୁ ନୋଟ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଏମିତି ଏମିତି ଫର୍ମରେ ତମେ ଡିଜିଟାଲି ଲେଖିପାରିବ ଓକେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବେସିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟରେ ବି ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ମେଜରଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ ତା'ର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଗର୍ ବି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି HSBC ଆଉ ମୋଡି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋଡିସ୍ ଆଇକ୍ରା ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ କହୁଛି 2021 ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ 2021 ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ 21 ଏଇଟା ମେ ବି 21 ଏଇଟା 8 କ'ଣ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଓକେ ତ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭି ସେପ୍ ଇକୋନୋମି ଆମର ଏବେ କହୁଛି ଆମେ ଭି ସେପ୍ ରିକଭରି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ସାଇକେଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିରେ ପଢ଼ିବା ସେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବିଜନେସ୍ ସାଇକେଲ ହେଲା ଏମିତି ହେଇକି ଆସେ ଓକେ ତ ରିସେସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ରିସେସନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଡିପ୍ରେସନ୍ ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରେ ରିକଭରି ରିକଭରି ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ପଳେଇବ ସେଇଟା ବୁମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ସାଇକେଲ କହୁଛେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ ଯଦି ଇକୋନୋମି ପାର୍ଟ ପଢ଼ିଥିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ତମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ମେଜର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ସିକିମ୍ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ ପୁରା ନଥିଲା ତ ଏବେ ତାର ରେଗୁଲେସନ୍ ନର୍ମରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ସିକିମ୍କୁ ଆଣିଛି କିଏ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ବିଜନେସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ଓକେ ତ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ USA କ'ଣ କଲା ନା ଅଫିସିଆଲି ରିଜଏନ୍ ଦ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର କି ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଜଏନ୍ କଲା ଅଫିସିଆଲି USA ସେମିତି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କହିଲେ ତମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଚାଇନା ହାଜ୍ ରିଗେନ୍ ଇଟ୍ସ ପୋଜିସନ୍ ଆଜ୍ ଟପ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 2020
तो ये पार्ट को भी मन रखा पड़ा। क्वेश्चन आसो हु इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ऑप्शन थी यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एम सब ऑप्शन थी। तापर देख पार्लियामेंट ऑफ जॉर्जिया कन्फर्म आइराकाली गरीब सावली आज प्राइम मिनिस्टर। तो आमर कौन क्वेश्चन आसो आइदर जॉर्जिया रो करेंसी किंवा कैपिटल क्वेश्चन आसो किंवा आमर यार जो प्राइम मिनिस्टर किए हेले एमती क्वेश्चन आसो। तो यूनाइटेड नेशन गुड विल आंबासडर जन होती किए, रूसियन सुपर मॉडल और फिलान्थ्रोपिस्ट नाटालिया भाडियोनोवा। तो यही फैक्ट को ही तुमको पढ़ापे पड़ो जदि तुम ओडिशा सिविल सर्विस फ्री पढ़ुच। तापरे नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर भी सेमती अटल पर्यटन भवन, अटल पर्यावरण भवन, अटल पर्यावरण भवन कौटी लॉन्च होती। तापरे इंटेनसीफाइड मिशन इंद्रधनुष 3। तो एडा कौन आगु कौन थिला एबे कौन अछि, हुनर हाट कौन, हुनर हाट कौन किए कहि परिबो, हुनर हाट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पे, एडा को मिनिस्ट्री करूची, देखिव से को मिनिस्ट्री करूची कोठी होची ए सब जिनसो तमे पढ़िबो। तब नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, तमिल साई सुंदरराजन हार्ड रेकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल इन पुडुचेरी। तो पुडुचेरी रो किए एडा किए ये किए आमर गवर्नर तमिल साई सुंदरराजन, बट एबे जो सीएम रिजाइन कले तांको ना कोन थिला किए कोई परिबो, पुडुचेरी रो सीएम एबे रिजाइन कले तांको ना कोन थिला, देख कैसे कौ लेवल तुम अच्छा देख करेन्ट अफेयर टोटाल हिंदू पढ़ुन कि किसी पढ़ुन तुम्हें, तेणु तुम्हें निजे भाव तुम ओडिशा सिविल सर्विस पढ़ुच, बट पुडुचेरी रे सीएम जन किए अच्छा से रिजाइन करमें जान। ओके तेणु तुम्हें निजे देख के पाठ पढ़ुच तुम्हें। तापर देख सेकेंड खेलो इंडियन नेशनल विंटर गेम्स कौटी है क्वेश्चन आसो। तापर स्टेट न्यूज, तो ये जो स्टेट न्यूज अच्छी स्मार्ट अंगनवाड़ी, फास्ट स्मार्ट अंगनवाड़ी कौ स्टेट रे लॉन्च है, फास्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया कौ स्टेट रे लॉन्च है, इंड मार्च यूनिट कौ स्टेट रे लॉन्च है, 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल कौ स्टेट रे लॉन्च है, नर्मदापुरम कौ स्टेट रे लॉन्च है, यही सब जिनस तुमको पढ़ाप पड़ो। तो तुम्हें जब पढ़ी न तुम्हें कौन कर ना ये PDF मुझे जो सेयार करी तार आंसर तुम्हें सब मेनसन कर। इंडिया रो फास्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कोठी एस्टैब्लिश हुई छी के कहि परबो, केरला, यस केरला, हां तापर देखो ठीक अछि केरला। मिशन मिशन लाल लकीर एटा को स्टेट सहित एसोसिएट एटा कोन कहि परबो, पंजाब रे। सर क्वेश्चन टिके रिपीट करन तो शोभा बलानी, मिशन लाल लकीर कौन, तेणु तुम से जो कैप्सूल अच्छी से कैप्सूल भी मुझे तुमको शेयर करी से ग्रुप रे, से ग्रुप रे तुम देखिकी आंसर दबो। ओके एटलिस्ट ये जिनस गुड़ा तुमको कहीं कहबेनि। ओके कौन पाई ना मुझे तो युवा सब मन रखी मुझे कहि किए लंच कला मुझे खाली क्वेश्चन पचारिपर मु तुम भाई तो पढ़ुनी, तेणु मुझा सब मन तुमको टोटाल कहीपर तुम्हें मते कहिया कथा सर एटा हला एटा ये करछन्थि पचारले सांगे सांगे आंसर आसिया कथा। सेमती देखो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को भी फोकस करिवो, एग्रीमेंट हला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन एस्टैब्लिशमेंट हो बोली कोउ कंट्री एग्रीमेंट कले, इंडिया आउ कोउ कंट्री एग्रीमेंट कले ताकु तुम जानिया पे पड़िवो, जो माने जानिचो जी जानिचो तार आंसर तुम एतरे देई परिवो। 40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर किए कि या कुने कि एमओयू साइन करचंती बा एग्रीमेंट साइन करचंती। तापरे वीसा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी को नेकी आ गोटे एग्रीमेंट हेची, एबे एटा तो आमे डिस्कस करतले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया को कंट्री सहित एबे साइन करची, मॉरिशियस, हाँ मॉरिशियस सहित साइन करची, तेणु से भाया तुमको मन रखापे पड़ो। ये काली डिस्कस करते नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग रिसर्च प्रोजेक्ट
ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ମିଲିୟନର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ କାହା ସହିତ ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥରୁ ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥରୁ ଏମିତି ନେମ୍ ଆଗ ମନେ ରଖିବ। ନେମ୍ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ବିଜୟ ସାମ୍ପ୍ଲା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାୱଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ମିତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୌତମ ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରଦ ଗୋକଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବ ୟା ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌତାଲା ସେ ତ ହରିୟାଣାର ସିଏମ୍ ନା? ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌତାଲା ତେଣୁ ଦେଖ 5 ଜଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ବି ଜାଣିନ, ତେଣୁ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ତେଣୁ ୟାକୁ ବି ତମେ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଟେରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ କରିଛନ୍ତି? ଗୁଜରାଟ ଗୁଜରାଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଜରାଟ ଏଡିସନ୍ ଅଫ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ କୋଉ ଇୟର୍, କୋଉ ଇୟର୍ରେ ହେବ, କୋଉଠି କୋଉଠି ହେବ? ଏଇଟା ତ 21ରେ ହେବ, କୋଉଠି ହେବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଫର୍ମର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର କିଏ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ, ୟୁସୁଫ ପଠାନ। ଏମିତି ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ, ଆର୍ ବିନୟ କୁମାର। ସେମିତି ସମିତ ଅଛି, ସମିତ ହେଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିତ 2021, ଭର୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ୍ ସମିତ 2021। ଦେଖ ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଇଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ପାର୍ଟନର କିଏ FICCI, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ଦ ସମିତ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଅନ୍ ଲାର୍ଜ ଡ୍ୟାମ୍ ସିମ୍ପୋସିୟମ, ଟ୍ରାଇଲେଟେରାଲ ଡାଇଲଗ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଏମଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ହେଲା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ 6th edition ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍, ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଲା ବା କିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆୱାର୍ଡ ଆଉ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିଏ ପାଇଲା? ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମିତି ଅଞ୍ଜଲି ଭରଦ୍ୱାଜ କୋଉ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆୱାର୍ଡ। ବେଶୀ କିଛି ତମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଡାଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ କିଏ କହିପାରିବ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେ କେବେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡେ କେବେ? ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏନ୍ଜିଓ ଡେ କେବେ? ତ ଏଇ ଡେ ବି ସବୁ ତମେ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, ଦେଖ ପାସେକ୍ସ, ପାସେକ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୋଉଠି ହେଉଛି? ତ କୋଉଠି ହେଉଛି ତମେ ଦେଖିବ, କାହା ସହିତ ହେଉଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ନେଭି। ତାପରେ ଏଇସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିବ, ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରୁଛେ ଆଗରୁ। VLSRSAM, ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସିପ୍, ତାଙ୍କର ନେମ୍ C-453 ୱାଜ୍ କମିଶନ ଇନ୍ ଟୁ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଡିଫେନ୍ସ ପରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଇଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର ବି ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମେଭରିକ ମସିହା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ଏଠି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଜଣେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତ ଲଞ୍ଚ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ 82 ବର୍ଷ କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଗାଥା, ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଇମୋସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି, ତ ଏଇଟା କୋଉ ଆକ୍ଟର ସହିତ ଆସୋସିଏଟ, କୋଉ ଆକ୍ଟର ବେସ୍ କରିକି ଏଇ ବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି? କବୀର ବେଦି, କବୀର ବେଦି ବୋଲି ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମିସଲେନିୟସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଜସ୍ମିନ ହାରିସନ ନ୍ୟୁଜରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? କୁଶିନଗର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଅର୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଲଞ୍ଚ କାର୍ବନ ୱାଚ୍, ଏ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟୁ ଆସେସ୍ ଦ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କଭର କରିବ। ତାପରେ ଅବିଚୁଆରି, ଡେଥ୍ କାହାର ହେଲା, ସେ କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ତାକୁ ବି ତମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁଲ ଖୁଲାର, ମାଇକେଲ ସମାର,
विष्णु नारायण नंबोत्री ये सब जिनस को पढ़ देन स्टैटिक टेकअवे देखिए से कैप्सूल स्टैटिक टेकअवे थी तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केबे फॉर्म हेतिला के कहि परबो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मोडे एक्ट को बेस करी फॉर्मेशन हेतिला पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 तो 2008 रे एटा एस्टैब्लिश हेतिला तापरे लक्षद्वीप रो कैपिटल कोन के कहि परबो सर जो काबर है तो लक्षद्वीप रे एडमिनिस्ट्रेटर जन अछन तांको नाम कोन केरला रो सीएम किए केरला रो गवर्नर किए मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किए ओके तो ये सब जिनस तुम्हें निजे पढ़ पढ़िकी रेस्पॉन्ड दबो से ग्रुप रे तो आज पे एतिक ही आमे मु जस्ट एबे जस्ट तुमको देखौछि ध्रुव स्क्रीन देखौछि स्क्रीन रे कोन देखेबि ना करंट आमर जो स्केड्यूल अछि से स्केड्यूल को मु जस्ट देखौछि तापरे आमे बंद करिबा स्क्रीन समस्त को देखा हो जाए यस सर यस सर ओके तो हमें सेवेंथ वीक ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्लीट हो गला तो तीन टा सब्जेक्ट हमर कंप्लीट हो गला तो हमर आउ रहिला कौन आउ तीन टा सब्जेक्ट रहिला कौन कौन के कोई परिबो साइंस सीबीएस एंड इकोनॉमी ओके तो इकोनॉमी ए वीक ए दुटा वीक अछि से दुटा वीक हम कवर करबा तो इकोनॉमी केमती कवर करबा ना ए जो देखो एतरे लिखा है डेट भी लिखा है फर्स्ट मार्च तमे कोन पढिबो ना यूनिट 1 स्टार्ट करबे यूनिट 1 रे चैप्टर नंबर 1 कोन मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ रे जो पढिबो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम ए सब जिंस एतरे जो 12 टा बळकु आरो मटेरियल अपलोड हिजबो ताकु तमे पढिबो नले तुम्हें जमी निजे निज बुक जो अच्छी नितिन सिंह आनियर से बुक पढ़ ना रमेश सिंह पढ़व तो यहाँ बेसिकली आज नेक्स्ट रात जो अच्छी 10:30 आम रिभाइज करवा मुझे तुमको किसी जिनस कह जोटा कि तुमको बुझे इजी रोके तुम करेन्ट अफेयर परस्पेक्टिव कौन पढ़ ना दुटा जिनस तुमको करने पड़ो न्यूज टुडे पढ़ापी पड़ो जो न्यूज टुडे मुझे देखा विजन आएस को जैक तुम कमी पढ़ो तापर विजन आएस मैगजीन जो आम कवर करुचे अलरेडी आमर कौन अच्छी ना ये फेब्रुवारी भूल लिखाई तो जनवरी रो ओके जनवरी 2021 रो आमे विजन आइस मैगजीन भी कवर करवा तो फर्स्ट दिन कौन कवर कर तुम्हें पॉलिटी कवर कर सेकेंड दिन आईआर कवर कर इंटरनेशनल रिलेशन थर्ड दिन इकोनॉमी कवर कर तो तुम्हें जब टाइम पाऊछ जनवरी 2021 एवं चलने तो आमर कौन है ना बहुत जनवरी 2020 आम कवर कले इकोनॉमी मैंने सब सब्जेक्ट ना नहीं तेणु सब सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव डेट्रे तुम मन पकेब जे फर्स्ट जनवरी रु डिसेंबर 2020 जाए आउ कौन कौन सब्जेक्ट आम सब कवर करे आउ ए मास रे कौन कौन कवर करे एटा तमे करि परिबो एटा कले तमे बेटर माने ओवरव्यू करि परिबो करंट अफेयर को ओके इवन पॉलिटी सब्जेक्ट रे पॉलिटी रे कौन कौन डेवलपमेंट हिची आउ जानि परिबो सेमति सब सब्जेक्ट रे जदि तमे कर दलो आउ किछि प्रॉब्लम हबो नाही सेमती सेकेंड रे आम देखा पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यू ताको भी जमी रात डिस्कस करवा तेणु सब जो मैंने अच्छ समस्त जानी सबुदिन रात 10 बेले आम क्लास रोच एटलिस्ट तुम जब 45 मिनिट्स 1 आवर तुम जब ये स्पेयर कर बहुत सारा तुम बेनिफिट हम ओके तुम निजे जापार कौ सारा केत सारा जिनस ये डिस्कसन हो तो एमती है कि तुम्हें 4-5 दिन पढ़ आगु कौन होता ना 4 दिन आम क्लास हो 4 दिन स्केड्यूल होता बट जेहेतु आमको कम्प्लीट करार अच्छी इकोनॉमी तेणु आम सबुदिन पढ़ापी पड़ो तेणु सबुदिन एम पढ़ा क्लास इवन संडे सैटरडे सबुदिन क्लास रमती संडे जो अच्छी से तुमको पढ़ापी किसी ना सका तुमको टेस्ट देवाई पड़ो सो यही टेस्ट बेसिकली इकोनॉमी क्वेश्चन बेसी र अलग सब क्वेश्चन करंट अफेयर जमी फर्माट में पढ़ुला सब सब विक्रे से पढ़ ओके तेनाली बेस करमें पढ़ापी ट्राए कर
ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନି ମାର୍କେଟ ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବ। ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ବି ଆମର ଫ୍ରାଇଡେ ସାଟର୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସଣ୍ଡେରେ ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ସନ୍ଡେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ଖାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଦିନ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ। ଯଦି ନହେଲା ପୁଣି ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍କୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ। ଇକୋନୋମି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବୁଝିପାରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି, ବଟ୍ ତମେ କହିପାରୁନ। ତେଣୁ ତମେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି କି ଆଉ କିଏ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବ। ନହେଲେ ନିଜେ ଯଦି ପଢ଼ିବ କେବେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲେ ଯାଇକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଲେ ବି ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ତମେ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ବୁକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ଯାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ତମେ ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସକାଳେ ବି ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଆଉ କାହାର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନା, ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା? ସାର୍ ନିତିନ ସିଂହାନି ଆଉ ରମେଶ ସିଂ ବୁକ୍ ଭିତରେ କୋଉଟା ବେଟର? ଏବେ ଯଦି କହିବ ମୋତେ, ମୁଁ ନିତିନ ସିଂହାନିଆ କହିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ୟୁପିଏସ୍ସିର, ସବୁ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ସେଇ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ପାଇବ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇଯିବ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପାଇଯାଉଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ୍, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ପଭର୍ଟି ଇକୋନୋମି ଯେଉଁ ଅଛି, ପଭର୍ଟି ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ, ସେଇ ଚାପ୍ଟର ତମର ରମେଶ ସିଂରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିତିନ ସିଂହାନିଆରେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇଛି, ପଭର୍ଟି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ମିସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଅଲଗା ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ବୁକ୍ ବି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ କି ବୁକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ କ୍ରାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଆମେ PDF ସେୟାର କରିଦେବୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପୁରା, ମାନେ ଏଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ହିଁ କହିଲେ ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।